हमेशा साक्ष्य मिलते हैं। हम लोग, मैं बता सकता हूँ, मेरे परदादा का नाम, उसके दादा का नाम मैं बता सकता हूँ। राम का वंश कहाँ पर है आप बताइए हमें, कोई है उसका वंश इस देश में? कि ये जो मंदिर परंपरा है, जो ये 33 करोड़ बना रखे हैं, हमारी जो परंपरा है वो गुरु घर और आश्रमों की परंपरा है। वो मंदिर नहीं है, गुरु घर है, आस्था का केंद्र है, जहाँ पर हमारे गुरु बैठ के सत्संग प्रवचन जो भी वो समाज को सामाजिक उत्थान के लिए बताते थे उनके लिए काम करते हैं। बात राम मंदिर की नहीं है, और ये तो अच्छा हुआ राम मंदिर वर्सेस जो है रविदास मंदिर हो गया, क्योंकि इनको भी पता चल गया कि शक्ति किसमें है और किसका साक्ष्य मिलते हैं। हम लोग, मैं बता सकता हूँ, मेरे परदादा का नाम, उसके दादा का नाम मैं बता सकता हूँ। राम का वंश कहाँ पर है आप बताइए हमें, कोई है उसका वंश इस देश में? अगर है तो लेकर आइए। काल्पनिक एक कहानियों की किताब है, उसको इन्होंने थोप दिया कि जी ये तो ग्रंथ है, ये तो हुआ था, फलाना हुआ था, डिकड़ा हुआ था जी, है उसी महाभारत में बोल डूब जाती है कृष्ण की और उस रामायण में पत्थर तैर जाते हैं। कमाल के साइंटिस्ट हैं। देखिए मैं जो है ना भगवानों में भरोसा नहीं रखता, चाहे वो कोई भी हो, मैं विचारधारा में भरोसा रखता हूँ, है ना। और विचारधारा जो है वो इस देश का निर्माण करती है, जैसे बाबा साहब अंबेडकर, रविदास महाराज, है ना। और वाल्मीकि में इसलिए नहीं जाना चाहूँगा, अभी बहुत सारा काम करने की जरूरत है उन लोगों में। जब साहब काशीराम आए तो बहुत सारे लोग छोटे गए कि वाल्मीकि समाज बहुत ज़्यादा संख्या में है देश में, ये अंबेडकरवाद की तरफ ना चला जाए और चूड़े और चमार इकट्ठे ना हो जाए। अगर चूड़े और चमार इकट्ठे हो गए तो इस देश की सत्ता हमारे हाथ में होगी। उसको रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट की गई समाज में। देखिए इनका जो कारण है ना, एक तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी घरवालियां नौ दुर्गे का व्रत रखती हैं, है इनकी घरवालियां इनको चारों धामों पे लेके जाती हैं, ठीक है। दूसरा जो ये पाखंडवाद है इस देश में, वो हमारे जो सांसद वगैरह हैं, जो विधायक हैं, या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो लोग सिर्फ जो है ना इसलिए सोशल एक्टिविज्म कर रहे हैं कि उनको राजनीति करनी है या अपना फायदा ढूंढना है, अगर वो लोग वाकई में समाज के लिए काम करें तो ये जो नेचर है, प्रकृति, ये भगवान है और इसका कोई आकार नहीं है, है ना। बाबा साहब अंबेडकर भी कहते थे कि नेचर जो है ना वो भगवान है, और भगवान कोई नाम नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर पे बल्कि इनको मुकदमा करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, पंडितों को 22 प्रतिज्ञाएं हैं बाबा साहब की, है ना। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता, गणपति को, राम को, कृष्ण को, इनको भगवान नहीं मानता, है ना। मैं विज्ञान पे भरोसा करने वाला व्यक्ति, जो सच है वो सच है, जो झूठ है जो झूठ है। तो ये सारी चीजें हैं, इस देश में पाखंडवाद का बोलबाला है और हजारों वर्षों से थोपा गया हमारे लोगों पे, जबरदस्ती हमारे लोगों के मंदिरों में माथे टिकवाए गए हैं। और मैं तो इनको चेताना चाहता हूँ, जो लोग हमें हिंदू कहते हैं और जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र है, अगर रविदास महाराज नहीं होते तो कितनी बड़ी धर्मांतरण की आंधी चल रही थी उस समय, रविदास महाराज ने रोका उस धर्मांतरण होने से। और हम इस देश के मूल निवासी आदिवासी कबीलों में रहने वाले लोग हैं, और ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हो मीडिया के माध्यम से, बहुत अच्छे अच्छे लोग कुछ काम कर रहे हैं। हमारे साथ रेलवे के काफ़ी बड़े लीडर हैं साहब, है ना, हम बचपन से देखते आ रहे हैं इन लोगों को, हम लोग प्रेरणा लेते हैं जो अच्छे लोग हैं उनसे कि भाई अम्बेडकरवाद अगर इस देश में बचेगा तो इस देश का विकास होगा, अगर पाखंड होगा तो पाखंड में तो फिर कहीं सूतपुत्र पैदा होंगे, कहीं पर जो ना सूर्य पुत्र पैदा होंगे, कहीं अंजनी पुत्र होगा वही, और कहीं वही पवन पुत्र होगा, है ना। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है, तो विज्ञान में भरोसा करें, मैं तो यही कहूंगा। पाखंडवाद को रोकने की क्या विचारधारा है? पाखंडवाद को रोकने की वो अपने पेरियार साहब की थी ना विचारधारा, है ना, हाँ, पीवी रामा स्वामी जी, ये जितने पेरियार जो बहुत सारे लोग हैं, बाबा साहब ने तो कह दिया था धर्म ही छोड़ दिया था वो, तो ये जो है ना ये धर्म आपको छोड़ना पड़ेगा और अपने इतिहास को जानना पड़ेगा आपको। हम लोग सिर्फ इस देश में दलित जब होते हैं, जब इस देश में चुनाव होते हैं या दंगे होते हैं, है ना, उसके बाद हम चूड़े चमार। अब देख लो कोई विश्व हिंदू परिषद का आदमी है यहाँ पर, हमारे ही संत महात्मा लोग लगे हुए हैं, है ना, कोई बजरंग दल नहीं, कोई कुछ नहीं, एक मंदिर टूटता चांदनी चौक में और हजारों की संख्या में हमारे चूड़े चमार, जाट, गुज्जर, तेली, तमोली सब पहुंच जाते रहे। हमारी माता का मंदिर तोड़ा, आज तुम्हारे बाप का मंदिर टूटा, आज क्यों नहीं आ रहे? सही बात, समझना पड़ेगा ना ये आपको। तो इस देश में जो है ना, अगर राम राम है ना भाई, तो रविदास जी भी हमारे गुरु हैं, ठीक है। बाबा साहब ने कहा था कि अगर किसी के विचारों को खत्म करना है तो उनका मंदिर और मूरत बनवा दो, तो कहीं हम लोग ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि रविदास जी के विचारों को खत्म कर रहे हैं और मंदिर और मूरत?
नहीं देखिए आप, एक बाबा साहब अम्बेडकर इतने खतरनाक नहीं थे जितने स्टैचू हो गए, और सल्यूट करता हूँ मैं उन लोग। इन्होंने कहा क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, बाबा साहब ने कभी मूर्ति मूर्ति पूजा का वो उन्होंने समर्थन नहीं किया। अब ये गलत बोल रहे हैं, बाबा साहब ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया ही नहीं, मूर्ति पूजा का उन्होंने। देखिए अभी जैसे इन्होंने स्वामी विवेकानंद को ले लिया, स्वामी विवेकानंद ने कहा था अगर इस देश को मान बनाना तो ब्राह्मणवाद को पैर तरह कुचलना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े से दिन बाद ये जो ना बुद्ध को भी कह देंगे विष्णु का अवतार था, बाबा साहब अम्बेडकर को भी कह देंगे ये लोग हमारे। देखो पता क्या, आप एक एक घर में कोई भी बड़ा जानवर लो, हाथी ले लो, और उसको 6 महीने बांध के रखो रस्सी से, और उसके बाद उसको जो ना एक कुर्सी से बांध दो रस्सी से, वो वहीं खड़ा रहेगा। तो ये समाज मानसिक रूप से गुलाम है, जिस दिन इसने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी इस देश का हुक्मरान बनेगा। और आज लाखों की संख्या में युवा नौजवान बुजुर्ग माता बहनें सब लोग आंदोलन को समझ रहे हैं, लेकिन एक अपील कर रहा हूँ मैं, आंदोलन गलत दिशा में जा रहा है। साहब काशीराम एक बात कहते थे कि भाई जिनकी सत्ता होती है ना, जिनका राज होता है उनका आज होता है, आज इनका राज है, इनके आगे लाठी डंडों के आगे पिटवाने नहीं अपने लोग, जेलों में नहीं भिजवाने अपने लोग, मुकदमे नहीं लगवाने अपने लोग, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करो। इनके घर के बाहर बैठ जाओ 10 आदमी जाएगा, इनकी औकात नहीं, सालों की 10 दिन बाद पता चल जाएगा इनको, है ना। तो उग्र आंदोलन हमेशा समाज का नुकसान करता है। अगर उग्र आंदोलन में कोई आदमी जेल जाता है, अगर उसकी पैरवी करो तो आप मिशन से भटके जाते हो, और नहीं करो तो लोग गाली देंगे कि यार तुमने पहले तो वहां भेज दिया, वो हो रहा है ना। हिंसा नहीं होनी, हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं बताऊं आपको, बाबा साहब का समय कुछ और था, बाबा साहब जब अकेले लड़ रहे थे, अब तो इतने सारे लोग हैं। मैं तो पढ़े लिखे लोगों से कहता हूँ कि आप सारे लोग जो है अम्बेडकरवादी हो जाओ, और हर आदमी को समझाओ इतना आसान है जीतना इस देश में। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया आपको, है ना, अपनी सरकार को अपनी पार्टी को वोट डालो, इस देश में बहुजन समाज की सरकार बनाओ, जहाँ मंदिर बना लेना, इसके लाल किले की रजिस्ट्री करवा देंगे रविदास महाराज के नाम। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।